मोमोज के साथ में मियोनीज भी है और चटनी भी है, खाओ तो सही। अभी जब मैंने मम्मी को बताया ना कि मैं मोमोज लेके आऊँ, तो मम्मी मेरे पे इतना जोर पे चिल्ला रही थी कि मैंने रोटी बना ली। नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आज का जो दिन है वो मैंने लेट व्लॉग स्टार्ट इसलिए किया है बिकॉज मेरा जो फोन का चार्जर था वो भैया के पास ही था। आज मैं लेट भी उठा था क्योंकि दूसरा वाला ब्लॉग एडिट कर रहा था और फिर भैया से चार्जर लेके आया। पहले तो सुबह तो रूपक से लेके आ गया था, फिर भैया से लेके आया चार्जर, फोन चार्ज किया और अभी 5 बज चुके हैं। आज अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा पिज्जा अनलिमिटेड, वहां से पिज्जा लेके आऊंगा मम्मी और पापा के लिए। मम्मी पापा ने, मम्मी ने तो मतलब बहुत ही कम पिज्जा खाया, बहुत ही कम। पापा भी थोड़ा बहुत खाते हैं बट पापा ने भी बहुत दिन से नहीं खाया सेम है। सो आज मैंने सोचा है पापा मम्मी के लिए थोड़ा पिज्जा लेके आ जाते हैं। सामने बच्चे को तो मुड़ा रही देखो, मस्त एकदम। अपन पिज्जा अनलिमिटेड कब चलेंगे? तो थोड़ा रात में चलेंगे। व्लॉग भी मैंने थोड़ा लेट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पापा आएंगे रात को 8:30 बजे, तो तब तक पिज्जा लेके आता तो ठंडा हो जाएगा। सो गाइस, मैं बाहर जब पिज्जा लेने गया था अनलिमिटेड, सो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब पहले ही लॉकडाउन ही लग गया। 7:30 बजे लगभग मैं गया, मतलब अभी तो 8 बज चुके हैं, 7:30 बजे गया था, देखा तो लॉकडाउन लग गया, मतलब शॉप्स बंद हो गई, 8 बजे बंद हो गई। फिर वहाँ फिर मैंने इधर उधर ढूंढा बट कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर एक बहुत मुश्किल से इतना मस्त, मतलब ना रोड साइड ठेले होते ना, वहाँ पे मोमोज मिले बहुत ही मस्त। मतलब टेस्ट तो नहीं किया मैंने बट देखने में अच्छे लग रहे थे। सो मैंने सोचा यार मम्मी ने भी कहीं मोमोज खाए नहीं है, पापा ने भी बहुत दिन से खाए नहीं है, सो लेके चलते हैं मोमोज। ये देखो बाकी इसके अंदर है बहुत सारे मोमोज। पापा भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, मैं इसीलिए थोड़ा लेट लेके आने वाला था क्योंकि पापा लेट आते हैं तो पहले लेके आ जाता तो ठंडे हो जाते। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि ये ब्लॉग रात के अंदर ही करूँगा क्योंकि पापा ड्यूटी से 8:30 बजे करीब आते हैं, बट आज थोड़ी जल्दी आ गए। मोमोज खाओगे? मोमोज लाए होंगे हाँ, तो भाई पापा भी आ गए, पापा के साथ मोमोज खाएंगे। ऐसे क्यों खा रही है? सब खाएंगे साथ में, ऐसे दमादम खाएगा क्यों? ओके गाइस, ये नहीं खाएगी अब। क्यों नहीं खाओगे? अब ये मोमोज नहीं खाओ? कौन? आप खाओ। चलो ठीक है, मोमोज भी खा लेना, रोटी भी बनी हुई है और मम्मी अभी बहुत खतरनाक चिल्लाएंगे। अभी जब मैंने मम्मी को बताया ना कि मैं मोमोज लेके आऊँ, तो मम्मी मेरे पे इतना जोर पे चिल्ला रहे थे कि मैंने रोटी बना ली फिर भी तू मोमोज लेके आ गया, तो ये चीज गलत हो गई थोड़ा सा। बाकी फिर भी अब लेके आ गए तो खाएंगे सारे, रोटी भी बनी हुई है तो रोटी भी खाएंगे, रोटी सब्जी साथ में मोमोज भी खाएंगे, मोमोज के साथ में मियोनीज भी है और चटनी भी है, तब मजा आएगा। हाँ ले लो ना, मोमोज खाओगे? खा लो मोमोज, खाओ। कैसा लगता है? मैं तो कभी खाई नहीं। खा लो तो। मैंने तो जब नहीं खाया थे क्या? बिना चटनी के खाऊंगी लेकिन मैं। नहीं नहीं, चटनी के साथ ही तो मजा आता है, बिना चटनी के क्या मजा आता है? चटनी में कोई थोड़ी मिर्ची की चटनी रहती है इसमें, लाल मिर्ची। नहीं मैं नहीं। अभी हमारी मोमोज की पूरी प्लेट रेडी हो गई। अरे मोमोज चैलेंज करी क्या? मोमोज चैलेंज कभी और करेंगे मोमोज चैलेंज, और फिर इसको फिर सब, इस बार मैं पक्का रहूंगा इसको एकदम पक्का। शक्ल देखते भी मेरे को रहेगा। देख लो गाइस, बहुत मस्त लग रही है। सुपर प्यार को भी पंज में मैंने हराया था, ये आ गया था। कोई ना, बाकी अभी तो मोमोज खा लेते हैं सब। खाओ तो सही, खाओ। अरे मियोनीज होती है, चटनी होती है मीठी वाली, मीठी मीठी लगती है, अच्छी है। पूरा खाएगी क्या? मेरे को भी तो दे। 5 खा गया, कुछ नहीं खाया। मम्मी मेरे को भी आरती बढ़िया बनाती है, मेरे को भी दो। देख ले आरती अच्छी बनाती है। छोरी को हाथ से खिला दो अपने। अभी सबने मोमोज खा लिए हैं, खाएंगे खाना, मतलब जो नॉर्मल रोटी सब्जी बनी है ना वो खाऊंगा क्योंकि मोमोज से पूरा एकदम अच्छे से पेट भरा नहीं है, सो रोटी सब्जी खा लेते हैं अभी तो। देखो ये विशाल भैया, ये मेरे आटो बनाइए। खाने में आज नमकीन की सब्जी और रोटी। सुबह इस पलंग पे तो आज मामा सो रहे हैं तो मेरे को नीचे सोना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी जगह खाली करी है क्योंकि यहाँ पे कुर्सी रखी हुई थी पहले, कुर्सी वगैरह हटा के सोफा रखा हुआ था तो इस वजह से सोफा को हटा के मतलब नीचे बिछाने का देख रहे हैं कुछ इस पलंग के अंदर मिले। बिस्तर तो मिल गए, चलो कैसे ना कैसे बिछा देते हैं। हाँ नीचे सोऊंगा ना, नीचे ठीक भी लगेगा थोड़ा। अब सही लगती है बेटा, जो तीन बिस्तर बताया।
मम्मी को भी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और आरती को भी बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। बाकी भी मेरे पीछे भी बैठी है, मैंने भी अभी टोपा लगा लिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी है गाइस बाहर। बट नीचे सोने में सही में बहुत मजा आने वाला है। अभी मैंने उसको कॉफी बनाने के लिए बोला बट ना तो ये चाय बना रही ना कॉफी बना रही, जैसे बोला इसको तो मान ही नहीं रही। अब पीछे अभी अपना आर्ट वर्क कर रही है, पता नहीं क्या बना रही है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको कल पूछा था कि मैं आरती का चैनल बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो सब ने यही चीज बोली कि आप बनाओ, हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको नहीं मेरे को, हाँ मतलब इसको बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मतलब मैं इसका चैनल 2 या 3 दिन के अंदर बना दूंगा। जैसे बनाऊंगा मैं आपको बता दूंगा, मतलब नोटिफिकेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपका मन है यार, अगर आपको अच्छी लगी इसकी वीडियो सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो 50 या 60 मतलब थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उसके बाद ही फर्स्ट वीडियो अपलोड करेगी। आप लोग सपोर्ट कर देना थोड़ा बहुत इसको, जैसा आपका मन करे। अभी तो क्या मैं खुद ही बनाऊंगा कॉफी, मेरे सो जाएंगे ना जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अच्छा है ना। बाकी अभी तो अपन कॉफी बनाएंगे क्योंकि बहुत ही तेज मेरे को थोड़ा कॉफी पीने का मन कर रहा है। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और अब मैं बनाऊंगा कॉफी। दूध तो अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे, दूध तो चलो बहुत ही सारा, बहुत सारा मस्त कॉफी बन जाएगी एकदम। अभी अपना दूध गर्म हो रहा है, देखते हैं कितनी देर के अंदर ही गर्म होगा। अगर ये यहीं पे कॉफी रखी है, 10 वाले पैकेट है, ये डाल देंगे इसके अंदर। सो मेरे को इतने अच्छे से कॉफी बनाना आती नहीं है, थोड़ा मैंने बना दी, उसके बाद अभी पता नहीं क्या कर लिया इसके अंदर, थोड़ा और ऊपर से वो डालेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ चलो सही, कुछ तो काम कर रही है हमारी पूरी, एकदम कॉफी रेडी हो चुकी है। कौन सा तेरा? मेरा ये वाला, अरे जो मांगा वही नहीं दिया। सो अभी पूरी कॉफी बन चुकी है और पी भी रहा हूँ बस मैं। चेस कर लो, आप भी पी लो थोड़ी सी। अभी तो मैं कॉफी पी के डायरेक्ट अपनी एडिटिंग करूंगा और देखते हैं फिर एडिटिंग कितनी देर के अंदर खत्म होती है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट में मेरी गलती मुझे जरूर बताना और एक प्यारे से कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक है, जाओ फॉलो करो। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। Say you're sorry.